शिवराज कैबिनेट में आए संविदा कर्मचारियों के फैसले को लेकर सभी संविदा कर्मचारी समिति 1 जून से पूरे प्रदेश भर में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने जा रही है। लगातार अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर अलग अलग तरीके से आंदोलन करने के बाद भी जब कैबिनेट के फैसले से नाराज संविदा कर्मचारियों ने आगामी 1 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है और उसके लिए समिति के प्रांतीय संयोजक अजय तिवारी और महामंत्री रेणु उपाध्याय के साथ ही संविदा कर्मचारियों के बीच पहुंचकर पूरे प्रदेश में फैसले के खिलाफ आंदोलन करने के लिए वो जा रहे हैं। समिति के प्रांतीय संयोजक अजय तिवारी और महामंत्री रेणु उपाध्याय से सीधी बातचीत की स्वराज संवाददाता दुष्यंत पारासर ने। कैबिनेट में आए फैसले के बाद संविदा कर्मचारियों में असहमति है और इसी असहमति को लेकर आगामी 1 जून से संविदा कर्मचारी हड़ताल पर जाने वाले हैं और समस्त संविदा कर्मचारी समिति के प्रदेश संयोजक हमारे साथ में अजय तिवारी, उनके से बात करते हैं कि क्या आगे की रणनीति रहने वाली है और क्या असहमति है। अजय जी, स्वराज एक्सप्रेस में स्वागत है। और किस तरीके से आप लोग आगामी 1 तारीख से हड़ताल करने वाले हैं, चूंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल है और संविदा कर्मचारी काफी है, क्या मानते हैं जी? सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, चूंकि हमारी 2 सूत्रीय मांग थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 27 मार्च को, जब चूंकि हम हड़ताल पे थे 15 से लेकर के 27 मार्च तक, तो हमें ये पूरी तरीके से ये कहा गया था कि आपकी दोनों सूत्रीय मांगों को लेकर के, यानी हमें जो संविदा से नियमितीकरण और जो हमारे निष्कासित साथी उनकी बहाली के लिए, हमको इस बात का पूरा कहीं ना कहीं पूरा भरोसा था। लेकिन कल जो कैबिनेट का फैसला आया उस पर हमने ये देखा कि उसमें किसी भी प्रकार से नियमितीकरण और यहां तक कि निष्कासितों का तो कोई मुद्दा ही नहीं, तो उसको लेकर के हमने पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में अपने जो हमारे जिला संयोजक हैं, पूरे प्रदेश में 51 जिला संयोजक हैं हमारे, और जो हमारी पूरी प्रांतीय टीम है, हमने आपस में विचार विमर्श किया और उसको लेकर के और हमने पूरे प्रदेश में हड़ताल का आह्वान कर दिया है और 1 जून से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तब तक हम रहेंगे जब तक हम अपनी 2 सूत्री जो हमारी मांग है, जिसको लेकर के हम पूरी तरीके से संकल्पित हैं कि हमको इन मांगों का आश्वासन ही हमें आदेश लेकर के ही हम लौटेंगे। संविदा शब्द की बात कही जा रही थी और संविदा शब्द को नियमितीकरण जैसी बात कही जा रही थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो एक अधूरे सपने जैसी बात सामने आई है, क्या मानते हैं? देखिए, जहां तक मुझे ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि हमारे प्रदेश के मुखिया बहुत ही संवेदनशील हैं और उनके मन में हमारे संविदा के प्रति अथाह है, कहीं ना कहीं उनके मन में भी वेदना है। उन्होंने कई जगह आप लोगों के माध्यम से भी ये कहा है कि संविदा एक अभिशाप है, लेकिन जो ये ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमें नियमित और हमारे संविदा से जो साथी हैं निष्कासित हुए हैं उनकी बहाली में कुछ बीच में कुछ ऐसा है, नहीं तो हमें पूरा विश्वास है कि हमारे जो मामा जी हैं निश्चित ही संविदा जो अभिशाप उन्होंने कहा था उसको लेकर के वो करने के भाव रख रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है कि कर्मचारियों के जो आंदोलन होते हैं उनके साथ में बड़े बैनर भी होते हैं, इस तरीके से आप लोग आंदोलन करने वाले हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी ये, तो इस अनिश्चितकालीन हड़ताल में आपके साथ में कौन सा बड़ा बैनर रहने वाला है? क्योंकि कई कर्मचारी संघ हैं बड़े, भारतीय मजदूर संघ की बात करें चाहे अन्य संघों की बात करें, तो आपके साथ में कौन सा ऐसा बैनर रहने वाला है? सबसे पहले मैं आपको ये बतला दूं कि जो हमारा संविदा है वो ही इतना बड़ा बैनर है कि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार के लिए हमारा संविदा जो है वो शासन का महत्वपूर्ण अंग है और हम लोग लाखों की संख्या में, हमें किसी भी मध्यस्थता की या किसी बड़े संघ की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि हम लोग वेदित और पीड़ित हैं और हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं वो वेदना को बहुत ही संवेदनशील तरीके से देखते हैं, तो हमें बीच में किसी मीडिएटर की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि वो तो राह चलते हुए किसी भी गरीब किसान को भी हमारे प्रदेश की मुखिया गले लगा लेते हैं, तो हमें बड़े संगठन की क्या आवश्यकता है? और हमें पूरा विश्वास है और हमें किसी बीच में किसी भी संगठन की आवश्यकता नहीं है, और हम संविदा हैं और संविदा ही कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संगठन है। इसको लेकर क्या अभी सरकार के नुमाइंदों से या सरकार में बैठे मंत्रियों से या फिर जो मुख्यमंत्री हैं उनसे आपकी चर्चा हुई है क्या इसको लेकर, जो आगामी आप आंदोलन करने वाले हैं, क्योंकि आपकी मांगे जो काफी सहूलियत वाली मांगे हैं और वो अभी तक पूरी नहीं हुई है? जी, सबसे पहले बात ये है कि हमारी, चूंकि हमने कैबिनेट का इंतजार किया, हमें पूरा विश्वास था कि चूंकि माननीय मुख्यमंत्री ने संविदा एक अभिशाप कहा था और जगह जगह हमने ऐसा हमें प्रतीत था कि निश्चित ही हमारी जो निष्कासित साथी हैं
उनकी बहाली का कैबिनेट में बात रखा जाएगा और जो हमारे संविदा कर्मचारी उनको नियमित सीधे नियमित। लेकिन जब ये सब चीजें नहीं हुई तो हमने अपने जिला संयोजकों से बात की, हमने निचले अंतिम छोर के उस संविदा से बात की अपने जिला संयोजक के माध्यम से, और हम लोगों ने आपस में विचार विमर्श किया और हमें किसी अब किसी विशेष व्यक्ति से बात करने की आवश्यकता नहीं है और हम कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अब बिल्कुल पूरी तरीके से वेदी तो प्रताड़ित है और हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे साथ छलावा हुआ है और हम उसको लेकर के बिल्कुल अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे और उसके बाद एक बड़ा आंदोलन हम भोपाल स्त्री परमिशन लेकर के करेंगे और उस समय संविदा की ताकत अन्य लोगों को भी समझ में आएगी जो कि बीच में दिग्भ्रमित कर रहे हैं, उस समय समझ में आएगी कि संविदा कर्मचारी जो समिति है उसके आह्वान पर कितने लोग यहाँ भोपाल में आएंगे और आकर के यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ में समिति की महासचिव भी है, महामंत्री है रेणु उपाध्याय, उनसे भी बात करते हैं वो भी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो आंदोलन और प्रदर्शन लगातार किए जाते थे उसके लेकर 20,000 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं उनको निष्कासित कर दिया गया था, उनसे भी बात करते हैं। रेणु जी, क्या मानते हैं आप, जो निष्कासित जो कर्मचारी हैं उनको उनकी जो मांगे थी वो किस तरीके से रही और क्या आपकी अब सोच है उसको? शुरू से जब हड़ताल रखी गई थी तो दो ही मांगे रखी गई थी, संविदा से बहाली, संविदा से नियमितीकरण और निष्कासित से बहाली। तो जो 25 तारीख को हमने रविंद्र भवन में घेराव किया था तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रशासन के थ्रू हम लोगों को बुलाया, मैसेज दिया और हम लोगों को बुलाया, रशीदगंज बाद में यहाँ कोई गांव है वहाँ पे हम लोग मिले और उन्होंने वहाँ से पूरी तरह से हम लोगों को आश्वासन दिया कि वाकई में तुम लोगों की वेदना जो है वो बहुत प्रताड़ित है। और हमने माननीय से ये भी बताया कि हमने 51 जिले में अपने रक्त संचय कर रखा है कि जिस दिन आप हमको निष्कासित को बहाल करेंगे तो आपको हम रक्त से तौलेंगे, क्योंकि हमारे पास और कुछ तो नहीं है नहीं कि फूल माला से तौल सके, क्योंकि हम लोग 5-5 साल से निष्कासित हैं। तो ये बात सुन के माननीय को बहुत ज्यादा मतलब पीड़ा प्रतीत हुई और उन्होंने पूर्णतः हम लोग को आश्वासन ये दिया कि आपको निष्कासित से बहाल करेंगे, बहाल से नियमितीकरण करेंगे। तो हम लोग कहीं ना कहीं कैबिनेट का वेट करते रहे कि हमारी निष्कासित की बहाली होगी और हम लोग अपने पूरे 51 जिले से सब लोग आए हुए थे सिर्फ कैबिनेट का जो आदेश था उसको सुनने के लिए, अपने घर में सब बीवी बच्चों से कोई अपने बच्चों से कोई अपने माँ बाप से ये बता के कि आज हमारी बहाली होना है। जब हम लोग यहाँ आते हैं और कैबिनेट में हमारा कहीं नहीं होता तो हम लोग निराश हो जाते हैं और हम लोगों ने सड़कों में भीख भी मांगी है और अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमको निष्कासित से बहाल नहीं किया जाता है तो हम रोडों में उतर आएंगे और हम आंदोलन करेंगे और मतलब निष्कासित से बहाली तो करवाएंगे। आगामी 1 तारीख से आंदोलन होने वाला है, किस तरीके का आंदोलन होगा, क्या काम बंद हो जाएगा, किस तरीके से या धरना प्रदर्शन भी होंगे, क्या मानते हैं? माननीय से निवेदन पूर्वक हम लोग पहले करेंगे और निवेदन पूर्वक अगर हमारा नहीं होता है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। तो साफ तौर पर जिस तरीके से जो कर्मचारी हैं वो व्यथित हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो मांगे हैं उनको लेकर सरकार ने गंभीरता से विचार नहीं किया और उन्होंने इसको लेकर असहमति जताई है, जो उनको सरकार ने दिया है उसके तहत उनसे वो उस मांग से उस पूर्ति से खुश नहीं है और खुश नहीं होने के चलते आगामी 1 तारीख से प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन होने वाला है और बड़े आंदोलन की तैयारी को लेकर लगातार जो प्रदेश संयोजक हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, वो लगातार कर्मचारियों के बीच में पहुंच रहे हैं और उनके द्वारा उनको एकजुट करने की बात भी कही जा रही है। हालांकि अब देखना होगा कि आगामी जब 1 तारीख से जब आंदोलन होगा, ये अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी, उसके बाद सरकार का क्या रुख होगा। कैमरा पर्सन सत्येन के साथ दुष्यंत पारासर, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।